तू तेरा 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 देख, तू तेरा देख, तू तेरा देख, तेरा देख। अरे गमछा बिछा के हम लेंगे आनंद बा, गमछा बिछा के आओ भैया आओ। आज खुश बहुत लग रहे हैं आप भाई, नहीं बाप बताए हम भी बहुत खुश हैं यार। क्यों आपकी जो भी बुशर्ट पहने हैं ऐसी लग रही है एकदम सलमान खान लग रहे हैं। अरे गमछा बिछा के, अरे भैया का है बात, मतलब का बात। क्यों नहीं होगा खुश, बिल्कुल खुश हूँ। लोग कह रहे थे ना कि जिस दिन रोहित शर्मा नहीं चला उस दिन क्या होगा हमारी टीम का, चलो मिल गया जवाब, पेल दिया हमारी टीम ने। अरे भैया सही बात बोले हो एकदम, सवा टका सवा आना चाहिए। मुंबई को रोकना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन लग रहा है तुमको। सही बता रहे हैं। हाँ भंडा जी, किसका क्या नहीं रुक रहा, आज रुकवा देंगे सब बता। अरे भैया जी, एक होता है स्नोफॉल, एक होता है रात को जिसको कुछ और कहते हैं हम, कोई और फॉल। लेकिन आप जो है राजस्थान के हैं बहुत बड़े, देखिए फाइन सॉरी बहुत बड़े फाइन है ये फाइन। लेकिन भैया जी आप सबको बता दूं, हाय हाय बिहारी कुटिए। बिहारी भैया से क्यों है, है? राजस्थान का फैन रियली? आपकी टीम ने तो कुछ करा भी नहीं, कुछ उखाड़ा नहीं, परफॉर्म कर रही, तो कैसे बन गए उनके फैन बताओ यार। अरे खास टीम कैसे नहीं है, प्लेस देखे हो तुम राजस्थान के? अरे भैया जी एक बार बताएं आपको, आप तो दिल की बात समझते, गमछा बिछाइए चने की खेत में, अब क्या फायदा कोई नहीं इतने बड़े बड़े बल्लेबाजों का, पटाखा लाएंगे उनको, अरे वंचो एक दो मैच चलेंगे, फायदा क्या उनका है, फिर आगे उनका वही हाल होना, टाटा फिश कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं चलने वाला भैया जी। हाँ चाहे बता रहे हैं आपको। अरे बल्लेबाज कौन सी टीम के पास नहीं है भैया, सबके पास है, इसका मतलब तो कभी मैच कोई हारेगा ही नहीं। लेकिन जब बल्लेबाज अच्छा चलेंगे और परफॉर्म करेंगे हमारे बैट्समैन की तरह, तब होगा ना टक्कर का मुकाबला। तुम्हारे बैट्समैन तो बिल्कुल ही मरगिल्ले हैं, वो तो कुछ परफॉर्म ही नहीं कर रहे, तो तुम्हारे अगेंस्ट तो बड़ा इजी सिचुएशन है हमारा, व्हाट यू कॉल विन-विन सिचुएशन। या अच्छा स्मिथ को देखा है, ओपनिंग कर रहा है वो इस साल आईपीएल में, और पहले तो मैच में हाफ सेंचुरी भी मार चुका है। अबे ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे रोहित शर्मा को देखो 80-80 रन बना रहा है वो और मैच जितवा रहा है वो, चाहे वो फर्स्ट बैटिंग आए या सेकंड बैटिंग आए। अरे भैया बिल्कुल सही बोले हो एकदम, ऐसा बिंदास बोले हो, जैसा बंदा आता है ओपनिंग में अपना टुक टुक एकदम शॉट मारता है केएल राहुल की तरह, है मयंक अग्रवाल की तरह, वैसा हो तो मजा आए। अब ये भाईचो अपना स्मिथ, स्मिथ की बात कर रहे ना, अपना स्मिथ, अब देखो जब गर्म होता है तो होना होता है वही ठंडी टाइट है ना भैया ना, ये बंदा ना चलेगा। हाँ सही कह रहे, नहीं चलेगा। चुप रहे यार भंडारी, और भाई आप सुनो, चलो स्मिथ को छोड़ो, संजू सैमसन की बैटिंग देख रहे हो ना, पहले दो मैच में उसने लगभग सेंचुरी मार ही दिया था। अबे वो तो कुछ भी नहीं है यार, हमारे फर्स्ट डाउन बैट्समैन को देखो तुम, सूर्य कुमार यादव भाई साहब क्या खेलते हैं, सुंदर तू देख लियो भंडारी, अगली बार ये आ रहा है इंडिया टीम में और इंडिया टीम को भी जितवाएगा ये मुंबई की तरह। अरे भैया कमाल करते हैं यादव जी, क्यों आप ईशान किशने को देख लो, ईशान किशने उस दिन भैया देखिए लगभग सेंचुरी, एक रन से रह गया, हम भी आज आईएएस ऑफिसर होते एक रन से रह गए जनरल कोटे में अटे का करे तो भैया, और कच का पकड़ा ऐसे लपक कर कच पकड़ा भाई, है बताओ सीधी बात, नो बकवास। हाँ वो सब तो ठीक है, सब पकड़ते हैं वैसे कैच। चलो आगे की बात करते हैं टीम की, याद है ना राहुल तेवतिया एक ओवर में 25 रन चिपकाए थे उसने। अबे वो भी कुछ भी नहीं है, क्या है तुम्हारा तेवतिया है, एक मैच में चल गया और तुम उसकी हवा ऐसे ढींगे बाजे कर रहे हो, पता नहीं कौन है वो हल्क हो। अबे ऑलराउंडर की बात कर रहे ना तू, केरन पोलार्ड वाह क्या खेलता है वो, और उसके साथ साथ पांड्या भी है, दोनों की पार्टनरशिप देखिए है, डेथ ओवर्स में ना एकदम से पीट देते हैं वो, मैं बता रहा हूं तुम्हें ये ही है जोड़ी, ये होते हैं ऑलराउंडर तुम्हारे तेवते निमित्त के तरह ही है। अरे इतने से ग्राउंड में क्या 3-4 छक्के मार दिए तुमने, तुम तो खुशी हो जा रहे हो भाई, हमारे बॉलर्स देखे, हमारे बॉलर्स बैटिंग भी कर लेते, 3-4 गेंदों में मैच घुमा देते, याद है ना चोपड़ा आर्चर। अरे यार वो तो कुछ भी नहीं, और तू मुझे मजबूर कर रहा है बोलने को, परसों का मैच याद है ना, कृणाल पांड्या 4 बॉल में 20 रन, 2 छक्के 2 चौके लगातार मार दिया उसने। अबे भाई हाईएस्ट स्ट्राइक रेट की लिस्ट में ऊपर आ गया वो सबसे। हाँ
अरे क्या हर बात पे वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं है लगा रखा है आपने। अरे हाँ भैया देखो ये लुंगी का कैदी क्या कह रहा है, कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है, हर बार ये यही कहता है। भैया फिल्म बनाएंगी तुम्हें तुम्हारे ऊपर, समझ रहे हो। हाँ लुंगी का कैदी छूट गया, अब एक बार बढ़ाइए, हर बार में बोला कुछ नहीं कुछ नहीं, मुझे तो यही लगता है ये साला कुछ नहीं है। वैसे आप सही कह रहे हो भाई, हमारे बॉलर्स ना हर जगह पिट रहे सर। यूनत कट और टॉम करन को देख लो सारा, जो भी आता है पीट के चले जाता है, पता नहीं खिलाई क्यों रहे इनको। अरे वो तो कुछ भी नहीं है। अबे तू हमारे बॉलर को देखना जसप्रीत बुमराह को, इतना अच्छा बॉलर होने के बावजूद वो पिटा जा रहा है, रन रोक ही नहीं पा रहा है यार। अरे हमारा तो विकेट कीपर भी खस्सी है बिल्कुल साला, पता नहीं वो बटलर पीछे खड़े होकर क्या देखता रहता है, ना साले से ठीक से कीपिंग होती है ना साले से ठीक से बैटिंग होती है, अब जाके थोड़ा बहुत रन बना रहा है बस। अरे वो तो कुछ भी नहीं यार, तू हमारे कीपर को देख लेना डीकॉक को, है अब जाके उसका बल्ला खुला है, इससे पहले तो टीम पर बोझ बना हुआ था साला। अरे भैया काहे को चपड़ गंजू बन जाओ, वो कुछ ना है भैया, टीम देखिए मुंबई की टीम तब भी जो है सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर क्या बोलते हो। अरे तो क्या हो गया, राजस्थान कर देगी आज उनका हिसाब, सबसे ऊपर रहना निकल जाएगा। अबे अबे वो तो कुछ भी नहीं। अरे रुक जा भाई, क्या कुछ नहीं है, सब कुछ है भैया, और यहाँ भी आपको मिल रहा है बहुत कुछ, समझे। स्पोर्ट्स फ्लैशेस पर वो घंटे का बटन दबाना है, टर्न लाइक भी करना है, ठीक है, और बता दो स्पॉटी जैकपॉट भी डाउनलोड करना है। और बाकी एक बात पूछना चाहता हूँ, जो ये कह रहे हैं ना कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है।